कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, बच्चे आने वाले हैं और मैं जल्दी से उनकी लंच की तैयारी कर रही हूँ। आज लंच भी बहुत लेट हो गया मेरा बनने में, क्योंकि मैं आज ना बाज़ार चली गई थी और मैं बाज़ार से बहुत ही अच्छे अच्छे अपने बच्चों के लिए कपड़े लेके आई हूँ गर्म। तो छोटी के पास तो थे, छोटी वाली बेटी के पास, लेकिन बड़ी के पास नहीं थे ना, मतलब छोटे हो गए थे उसके, कहने का मतलब ये है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं आज क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ बच्चों के लिए, बने रहिएगा ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन के साथ प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर ब्लॉग आप देख सकें। तो दिखाती हूँ मैं, पहले मैं लंच बना लेती हूँ फिर उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है? तो फ्रेंड्स, हम मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों आ गए हैं मार्केट और यहाँ पे मैंने एक हुडी देखी थी बड़ी वाली बेटी के लिए। तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर था, बच्चों पे तो थोड़ा डार्क कलर अच्छा लगता है। तो मैं अभी पहले ये वाली शॉप पे आई थी, इस पर कपड़े तो बहुत ही अच्छे होते हैं लेकिन अभी आज मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम दूसरी वाली शॉप पर गए, यहाँ पर हमें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े जो हम चाहते थे, जैसे हम चाहते ना वैसे कपड़े हमें मिल गए, हुडी भी और टी शर्ट वगैरह लोअर जो भी है। तो सब देख रहे थे, तो देखिए हम बहुत ही प्यारे प्यारे लड़कियों के ड्रेसेस थी गर्म विंटर की, तो मैंने यहाँ पे देखी, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे लगे और यहाँ पे ये भी बता रही थी। और जो भी चॉइस है वो हम दोनों की एक ही रहती थी कपड़े को सिलेक्ट करने में। फ्रेंड्स, हम लोग घर आ चुके हैं और आते ही मैंने जल्दी से सब्जी बनानी स्टार्ट करी और मैं आज बना रही हूँ मिक्स वेज। और इनका व्रत भी है ना, तो इसीलिए इनका व्रत के लिए खाना भी बन जाएगा और बच्चे भी 3-3.25 तक आते हैं तो इनके लिए खाना, बच्चों के लिए खाना बहुत जल्दी जल्दी बना रही थी मैं। मैंने जल्दी जल्दी सब्जी काटी, लेकिन फ्रेंड्स कहते हैं ना कि बेटे कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता, और उसके कब कपड़े छोटे हो गए मुझे पता भी नहीं चल रहा था। और मैंने अब जो पिछले साल के कपड़े थे वो सारे मैंने इसको जीन्स वगैरह पहना के देखी बड़ी बेटी को, तो वो बिल्कुल भी नहीं इसकी आ रही थी। और फिर मैंने सोचा भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, सर्दियाँ तो भी हैं जनवरी फरवरी तक, तो लेके ही आना पड़ेगा। तो मैं लेके आ गई और यहाँ पे देखिए मैंने सब्जी छोड़ दी है और जल्दी जल्दी काम कर रही थी। मैंने कहा कभी बच्चे आ जाए तो, मेरे को आती बच्चों को भूख लगती है ना, हम भी जब अपने टाइम में छोटे थे और स्कूल से आते थे तो एकदम से कहते थे मम्मी खाना मम्मी खाना, तो ऐसे ही छोटी वाली बेटी को तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है जल्दी से। तो बस मैं सब्जी छौंक के ना फिर उसके बाद आटा गूंथूंगी और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके फिर आपको मैं कपड़े दिखाती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, वैसे तो मैं ना कल में ही मिक्स वेज बनाती हूँ लेकिन आज मुझे बहुत जल्दी है तो मैं इसलिए कुकर में जल्दी से मिक्स वेज की सब्ज़ी बना रही हूँ। और इसमें ना मिक्स वेज जब बनाते हैं ना कुकर में तो इसमें पानी बहुत कम डालना चाहिए, फिर भी बिल्कुल ऐसी खिली खिली बनेगी आपके मिक्स वेज। तो मैं जल्दी जल्दी सब्जी काट के छौंक दी है और उसके बाद मैं आटा गूंथ के रख लूँगी और जब बच्चे आएंगे स्कूल से तब उनके लिए गरम गरम पराठे सेक दूंगी मिक्स वेज के साथ। उससे पहले मैं अपने हस्बैंड को व्रत का खाना दे दूंगी क्योंकि आज ट्यूसडे है तो उनका फास्ट रहता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है और अब सब्जी बन के तैयार हो जाएगी एक सीटी में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आटा मल रही हूँ और सब्जी देखो कुकर में बन रही है। और फ्रेंड्स, इनके पास कोई आके बैठ गया है तो अभी ये थोड़ी देर में खाएंगे, लेकिन मैं व्रत का खाना बना लूँगी। और देखिए मैं आटा ना बहुत अच्छे से गूंथती हूँ, मुझे ऐसे नहीं कि बस आटा ऐसे ही आना और मतलब जल्दी से तैयार होकर, जितना अच्छा आप आटा मलोगे ना उतना ही अच्छी रोटी आती है और बहुत ही अच्छे फुलके आते हैं।
और मैं जल्दी जल्दी आटे को मल रही थी, लेकिन फ्रेंड्स मैं थक भी बहुत रही हूँ क्योंकि सुबह से सारा काम करा और फिर उसके बाद मैं मार्केट गई, तो मार्केट में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। मैं इनसे कह रही थी चलो चलो बच्चे आ जाएंगे, मुझे खाना भी बनाना है, लेकिन ये बहुत ही रहते हैं, इनके पास कोई ना कोई मिलने वाला आता ही रहता है, तो बस इसीलिए मैं थोड़ी सी लेट हो गई। और अभी मैं 2:30 बजे आई और बच्चे 3:15 बजे आने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी कर रही थी मैं। और देखिए मैंने अभी पानी भी नहीं पिया है वहाँ जाके बाज़ार से आके, बस जल्दी जल्दी आटा गूँथ के उसके बाद मैं पानी पीऊँगी। मैंने कहा थोड़ा सा काम मेरा फिनिश हो जाएगा, किचन वगैरह मैं पहले ही साफ करके गई थी, मुझे पता था। तो बस आज विंटर की थोड़ी सी शॉपिंग कर ली बच्चों की, और ये कई दिनों से मैं सोच रही थी आज जाऊँ कल जाऊँ आज जाऊँ कल जाऊँ, बस जाना ही नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे ही जाने लगी थी, तो कहने लगे चलो मैं भी चलता हूँ साथ, मैं दिलवा देता हूँ। तो मैंने कहा चलो और भी अच्छी बात है ना, तो अकेले जाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता मुझे और भी। तो देखिए मैं इस तरीके से आटा अच्छे से मलती हूँ और इसके ना बाद फूल के बहुत अच्छे आते हैं। तो बच्चे तो पराठे ही खाते हैं, मेरे बच्चे रोटी नहीं खाते, आपको पता ही है सबको। दोनों बेटियाँ मेरी पराठे ही खाती हैं, रोटी बिल्कुल भी नहीं खाती ये तीनों टाइम। और इनके लिए भी पराठे ही बनाऊँगी क्योंकि व्रत में रोटी कहते खाते नहीं हैं और पराठे ही खाते हैं। तो बस ये देख लीजिए फ्रेंड, आटा भी मेरा मल चुका है और सब्जी भी बनने वाली है, बस एक सीटी आने वाली है। और बस हाथ वाथ धो के अब अपने रूम में जाऊंगी और पानी पीऊंगी आराम से। वेलकम टू वन हॉल। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए खरीदे हैं क्लोथ्स। तो सबसे पहले ये जो मैंने पहन रखा है यही है, ये है टॉम एंड जेरी वाली हुडी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी कि मैं क्या क्या लेके शॉपिंग करके लाई हूँ अपने दोनों बच्चों के लिए। तो मैं सबसे पहले दिखाती हूँ, ये मैं एक जैकेट लेकर आई थी भव्या के लिए। तो ये जींस का काम करती है, मतलब जैसे जींस होती है ना टॉप के ऊपर, तो मुझे बहुत अच्छी लगी और ये कलर भी बहुत प्यारा लगा। ये मतलब किसी भी लाइट टॉप पे चल जाएगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं, ये भी जैगिंग है और ये देखिए कितनी सुंदर है, ये देखिए कितनी प्यारी। ये भी भव्य के लिए लेकर आई थी मैं, क्योंकि बेटियाँ कब बड़ी हो जाती हैं पता भी नहीं चलता। और मतलब जो उसके पहले के कपड़े थे वो बहुत ही मतलब छोटे हो चुके हैं, लेकिन मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मेरे जो बड़ी बेटी के कपड़े छोटे हो जाते हैं ना, तो वो छोटी वाली बेटी पहन लेती है। और ये कि मैं लोअर ले आई, बहुत ही सॉफ्ट एकदम, इसको ना ऐसे सिल्की वाले सॉफ्ट बहुत अच्छे लगते हैं लोअर। तो ये रेड कलर का, पता है क्या, ये रेड कलर की मना कर रहे थे, तो मैंने कहा बच्चों पे ना थोड़ा डार्क कलर अच्छा लगता है। तो ये एक मैं लोअर लेकर आई थी, रात को पहनो या फिर वैसे भी पहन सकते हैं। और एक लेकर आई थी मैं ये हुडी, तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और जब उसने पहना ना तो वाकई में मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और फ्रेंड आराध्या के लिए भी लेकर आई थी मैं, लेकिन आराध्या का क्या हुआ कि आराध्या के ऊपर का ये ट्रैक सूट का जो है टॉप, ये तो सही आ रहा था, ये वाला तो सही आ रहा था, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा मतलब अभी के लिए ठीक है, ये अभी के लिए ठीक है। और मुझे लगा कि नेक्स्ट ईयर मतलब कपड़े लो तो ऐसे लो ना कि जो मतलब अगले साल सर्दियों में पहन सके, और मैं दो सर्दियाँ तो पहन ही लें और आराध्या से छोटा तो कोई नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसीलिए मुझे ये छोटा लग रहा है तो मैं इसको चेंज करवाऊँगी। तो है बहुत सुंदर, इसमें बहुत सुंदर लग रही है आराध्या, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस इतनी सी शॉपिंग करी थी और अभी बस। तो कैसी लगी आपको मेरे बच्चों के लिए जो मैं शॉपिंग करके लाई हूँ, कैसी लगी बताना मुझे। तो मैं इसको वैसे ही पैकिंग कर देती हूँ, और क्योंकि ये चेंज होगा ऐसे में। तो फ्रेंड्स यहीं पे मैं आज का व्लॉग, तो फ्रेंड्स अब मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और मैंने आपको दिखा दिया कि मैं बच्चों के लिए क्या क्या लेकर आई थी, और अपने लिए अपने हस्बैंड के लिए अभी नहीं लेकर आई, नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे हम दोनों अपने लिए सर्दियों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी थे और आगे आगे सर्दी होने वाली है। तो मैं आप इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।